हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिक टक। देख सकते हैं अभी हमारे पास एक्टिवा BS6 है जिसको पूरा रीस्टोर करना है। ये एक एक्सीडेंटल गाड़ी, अभी आपको दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए, ये जो पतरे के बीच में और लॉक सेट के बीच में पूरा गैप आ चुका है, इसको सही करने का है। और ये फ्लोरिंग का पतरा टूटा हुआ है, और ये साइड वाला पतरा ये भी बैंड है, और ये वाला पतरा तो पूरा ख़त्म ही है। तो इसको रीस्टोर करने का है हमें। तो इसको अभी हम लोग खोलते और बताते हैं कि और क्या क्या हमें करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी ऊपर से तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है। अभी खोलने के बाद पूरा मालूम पड़ेगा कि क्या क्या और करना पड़ेगा। तो फटाफट से अभी खोलना हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अभी देख सकते हैं गाड़ी पूरी खोल चुके हैं हम लोग। ये देखिए, आपको पार्ट अभी बताता हूँ। ये तो डालना पड़ेगा, कौन कौन सा डालना पड़ेगा और कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको रिपेंट कर सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग में। तो जैसे कि ये पार्ट है, इस पर सिर्फ जंग लगा हुआ है, तो इसको हम लोग रिपेंट कर सकते हैं। बट ये वाला पार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो इसको पेंटिंग करके फ़ायदा नहीं है। जैसे ये वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग फिर से रिपेंट करके हम लोग कर सकते हैं। बट ये जो पार्ट है, इसको डालना ही पड़ेगा। और ये जो पार्ट है, इसको हम लोग फिर से डेंटिंग पेंटिंग करके बरोबर कर सकते हैं, एकदम सही कर सकते हैं नए के जैसे। बट जो प्लास्टिक वाला आइटम है, जैसे ये प्लास्टिक का आइटम है, ये सब जितना भी डैमेज हो चुका है प्लास्टिक आइटम, वो सब डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते, उसमें पेंटिंग वेंटिंग नहीं हो पाएगा। और ये जो ब्रेकेट देख रहे हैं आप, जिसपे मडगार्ड फिक्स होता है, वो ब्रेकेट तो हमें डालना ही पड़ेगा। जैसे ये ब्रेकेट है, इसको डालना पड़ेगा। जो भी है, सिर्फ फ्रंट में ही डैमेज हुआ है, क्योंकि गाड़ी सामने से ही ठुकी है, इसीलिए पीछे कुछ डैमेज नहीं हुआ है। अभी देख सकते हैं, हमारा जो भी पार्ट्स पेंटिंग में गया था और नया लेना था, वो सब हम लोग ला चुके हैं। अभी देख सकते हैं, सब पार्ट इजीली है, और नए में और पुराने में फ़र्क नहीं बता सकते हैं कि जो पेंटिंग में है और जो नया है उसमें। अभी सब आ चुका है, तो हम लोग फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं इसको। अभी देख सकते हैं, ये हम लोग फ्रंट पैनल लगा लिए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों। और बाकी का जो 5G तक, जो एक्टिवा का जो 5G तक वर्जन है, उसमें पहले लेग शील्ड लगता था, तब ये दोनों साइड पैनल लगता था। ये वाला लेग शील्ड पहले लगता था, उसके बाद ये साइड पैनल लगता था। और इसको पहले लगाने का रीज़न ये है 6G में, कि देख सकते हैं, दो स्क्रू इधर फिटिंग होता है और दो स्क्रू इधर फिटिंग होता है। तो इसी वजह से पहले साइड पैनल लगता है और उसके बाद लेग शील्ड लगता है। तो अभी हम लोग लेग शील्ड को भी लगा लेते हैं फटाफट से। अभी हम लोग इसको भी अच्छे से टाइट मार लेते हैं, जो लेग शील्ड है उसको भी इसके जगह पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये साइड से पीछे से एक स्क्रू लगता है, जो कि उसमें उसका जगह टूट गया था। देख सकते हैं, इसमें फर्क देख सकते हैं, कितना गैप आता था पहले जब गाड़ी बनने को आई थी, और अब भी पूरा गैप भर चुका है। तो इसको हम लोग अच्छे से फिक्स कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
अभी इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप लोग। गाड़ी थोड़ी डर्टी है बट फिर भी अच्छा दिख रहा है गाड़ी, जो नया के जैसा पूरा शोरूम से नया गाड़ी निकालते हैं वैसा पूरा लग रहा है अभी भी गाड़ी। वॉशिंग करने के बाद गाड़ी और भी ऑसम लगेगी। अभी हमारा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।